हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रविशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सबने हमें प्यार दिया और 62,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उन सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जल्द लाखों करें, हमारा 1,00,000 सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे। हाँ। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इंडिया में जो है ना अंडर वाटर ट्रेन जो है वो कल से शुरू कर दी गई है कोलकाता में। तो आज हम देखने वाले पाकिस्तानी लोग उसको देख के ना बहुत ज्यादा हैरान हो गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि ये क्या हो गया भाई भारत में। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज वीडियो। चलिए थल्ले है जी अंडर वाटर, इनको मैं आज एक ऐसी चीज दिखाने लगा, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी देखी होगी वो चीज। या अल्लाह, अब ये ऐसा क्या दिखाएगा कि एक ही खत्ते के दो हमसाया कंट्रीज एक कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। इट इज टाउटेड टू बी द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया। ओ यार, हम इंडिया इंडिया इंडिया, ये भाई इधर आना यार, ये देखो कह रहे इंडियन अंडर वाटर ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। ओ यार, हमें बकवास कर रहे हैं, मैं इसको बना सकता हूं, पर क्या एशिया में है, मैं कहूं चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी। अरे इंडिया ने बनाया है, पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। आल्सो द हावड़ा मेट्रो स्टेशन इज द डीपेस्ट इन इंडिया। इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है कि इस साल जनवरी में जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी सरमायाकारी का जो पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने लगा रखा है उसको विड्रॉ कर लिया है। सर ये इंडिया की है, कोलकाता के अंदर है, कोई बंदा ही नहीं साढ़े पाकिस्तान से। की अब एक नई फहरिस्त थमा दिया, इसका मतलब है मजीद महंगाई। गालबर इनकी ख्वाहिश थी कि 30 जनवरी से पहले पहले वो मिशन आ जाए, आईएमएफ ने उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। $173 मिलियन की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया, मतलब इतना उन्होंने पानी के अंदर से मेट्रो गुजार दी है। बट अंडर द रिवर दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट विच हैज बीन टेकन अप बाय इंडियन रेलवेज एंड आल्सो दिस इज द फर्स्ट मेट्रो इन द एंटायर इंडिया विच इज अंडर द रिवर। बड़ी बात है यार। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह मेट्रो कोलकाता से हावड़ा तक चलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मेट्रो में स्कूली बच्चों के साथ सफर भी किया और उनसे बातचीत भी की। इस मेट्रो की खास बात यह है कि यह हुगली नदी के अंदर बनी टनल में चलेगी। पानी के अंदर बनी मेट्रो सुरंग इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है जो 16.6 किलोमीटर लंबी है। अंडरवाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। इसमें 6 स्टेशन होंगे जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। वहीं हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। कोलकाता मेट्रो का हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन बहुत खास है क्योंकि इस सेक्शन में ट्रेन पानी के अंदर दौड़ेगी। इस मेट्रो टनल को हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे बनाया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत में पहली बार पानी के नीचे ट्रेन दौड़ती देख सकते में है। पहली दफा देख रहा हूं दुबई की अंडरवाटर ट्रेन। दुबई नहीं है सर, फिर क्या, दुबई में बनी है अंडरवाटर से। दुबई में है लेकिन दुबई के अलावा भी कंट्री बना रहे हैं। और यार ट्रेन नहीं है ये यार। सर ट्रेन है, देखे पटरियां नहीं नजर आ रही। दुबई में नहीं है, फिर कहाँ पे है? ये एशिया में है, पाकिस्तान के नेबर कंट्री है। चाइना बोल देगा, पाकिस्तान के नेबर तो भी दुबई भी होता है। 2 घंटे का बाय एयर सफर नहीं यार, पाकिस्तान का मतलब दुबई नेबर नेबर का नहीं है भाई। बॉर्डर टू बॉर्डर, बॉर्डर टू बॉर्डर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर होगा ये मेरे ख्याल से चाइना ही इसने किया। सर ये इंडिया ने बनाई है। इंडिया ने क्या बनाया? अंडर वाटर ट्रेन। अंडर वाटर ट्रेन यार, हम इंडिया इंडिया इंडिया, ये भाई इधर आना पास में यार। ये देखो कह रहे इंडिया ने अंडर वाटर ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। ओ यार, हमें बकवास कर रहे हैं, मैं इसको बना सकता हूं, पर क्या एशिया में है, मैं कहूं चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी। अरे इंडिया ने बनाया है, पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। मन नहीं है क्या भाई, माने पाकिस्तान गई है चाइना है। ओ यार इंडिया की नहीं है यार, ये इंडिया की नहीं है। नहीं, अभी मैंने गूगल करके दिखाना है, फिर आपने मान जाना है। दिखाओ दिखाओ, मैं दिखाता हूं आपको। रोज कोई कभी कोई रिक्शा उठा लेते, आपको सिटी भी बताऊं कौन सी सिटी में ये चल रही है। कभी रिक्शा उठा लेते, कभी बाइक उठा लेते, इंडिया की इंडिया की इंडिया की नहीं है यार। मैं दिखाता हूं, ट्रेन तो मुझे नहीं माननी, मैं तो इंडिया की है। क्या लिखा हुआ है? अंडर वाटर मेट्रो अगली रिवर कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे है? कोलकाता तो इंडिया में। तो यार भाई ये वाकई इंडिया की है सर, इंडिया ने अंडर वाटर ट्रेन बना ली है। गलत वाली बात है, इनको एप्रिसिएशन देनी बनती है यार, क्यों इतना काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, अभी भी यार सीरियसली देख के नहीं मान रहे। बिल्कुल सर, कमाल
सर एक मोदी की स्टेटमेंट आई थी कि इस दिहाई के एंड तक आप इंडिया में ऐसी ऐसी ट्रेन देखेंगे कि आप जो है हैरान रह जाएंगे, आपको पूरे यूरोप कंट्रीज में कहीं पर भी ऐसी ट्रेन नहीं दिखेंगी। तो मतलब नो डाउट, मैं छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल वाली बात करूंगा, एग्जांपल देके कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, जो लाइक इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक यूएसए, मुल्क की तरक्की का राज कब पता चलता है? जब दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क की तारीफ करते हैं। आज जैसे कहा है कि इंडिया का जो ट्रेन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, और बेस्ट होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो मोस्टली जो इंडिया की 99% आबादी है वो ट्रेनों पर ही सफर करती है, सबवेज यूज करती है अपने काम वगैरह पर जाने के लिए। तो वहां पर जो ट्रेन का स्ट्रक्चर है डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना तो बनता भी है इंडिया का। एंड अच्छा लगा देखिए यार, देखिए एक हमारा सिस्टम है ट्रेन का जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बाबा आदम के जमाने की पटरियां मजी अभी तक वही हैं, और बोगियां उलट जाती हैं आपस में। सही बात है, ऐसे बड़े हादसे होते हैं। आप यहां पाकिस्तान में ट्रेन पर सफर करने से, एक हवाई सफर करने से, किड़ा सफर करिए, फिर समुद्री सफर, आप खुद देख रहे हैं सबसे पुरानी फ्लाइट है हमारे पास, और इतने बुरे तरीके से वो डैमेज हो रही है, बिकॉज रिपेयरिंग नहीं है। लेकिन आई थिंक चूंकि इंडिया ने अपनी जो चीजें हैं वो बहुत वंदे भारत उनकी सबसे ज्यादा कह लेंगे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कंसीडर की जाती है, तो इतना कुछ वहां पर इंप्रूव हो चुका है, तो ये भी इंप्रूव कैसे ना होगा? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहां पर रोड्स वगैरह, जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेस्ट होगा, वही आपके तरक्की का पता चल रहा होगा। उनका आईटी सेक्टर देख लें, मेडिकल देख लें, यार पाकिस्तान से अंदर कहीं भी स्टमक का इलाज नहीं होता, करवाने के लिए इंडिया जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हैं कि वहाँ पे इंडियन फ्री भी कर देते हैं, कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान गरीब मुल्क है। क्योंकि हमारे लिए एक लम्हा फिक्र ये है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए लाइक कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना दुनिया की दौड़ में शामिल हो गया हुआ है, और हम आज भी इस जगह पे खड़े हुए हैं सोच रहे हैं कि हम अपने अगले दिन का खाना कैसे पूरा करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ये है कि हम अगले जो कर्जा है वो किस मुल्क से लेंगे। पाकिस्तानी से पूछ लो कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि यार इंडिया की फिल्म्स में देख लो, किसी भी इंडिया की छोटी मोटी वीडियो होती तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, वो बोलते थे कि यार देखो इंडिया का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, और कितना लाइक इतना उनके पास टैलेंट है, वो अपने बच्चों की अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अब वो सारा आउटपुट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आज से मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आप देख ले 2010 से पहले इंडिया में इतनी कोई खास हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो लाइक इंडिया तो अनस्टॉपेबल। गेस करें कौन सा कंट्री होगा ये? मैंने तो बता दिया आपको कि जो भी है, अब मेरे ख्याल में एशिया के अंदर, एशिया के अंदर है, एशिया के अंदर तो हमारे को 5-7 मुल्क ही हैं, या 5-7 में से कौन सा लग रहा है आपको इस टाइम? तो अगर वो मतलब माशी हालत में देखा जाए तो इंडिया ही है, इंडिया शुक्र इंडिया के पास ही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना एडवांस हो चुका है जो कि अंडर वाटर मेट्रो बन रही है उधर? नहीं नहीं, बिल्कुल एडवांस है, वो पैसे वाला मुल्क है, इस टाइम वो नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा उसको मतलब उसको बड़ा आगे ले गया हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया की है, कोलकाता के अंदर है। बड़ी बात है यार कि इंडिया कभी हमारे से पीछे होता था, आज हमारे से आगे चला और गया। उसमें जो कंसर्न वाली बात है, बावजूद तमाम कोशिशों के कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आए, 187 मिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी वाकई हुई है। और इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है, ये खुद हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि इस साल जनवरी में जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी सरमायाकारी का जो पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने लगा रखा है उसको विड्रॉ कर लिया है। और ये जो नंबर्स बता रहे हैं कि चीन ने जनवरी 2024 में 173 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया है। ये यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात है, और इसकी वजाहत नहीं की गई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि चीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने 173 मिलियन डॉलर एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक एक डॉलर पाकिस्तान के लिए माने रखता है उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से और पावर सेक्टर से क्यों निकाला है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई पाकिस्तानी तो मानने को अभी रेडी ही नहीं है कि अंडर वाटर जो है ना मेट्रो इंडिया बना सकता है। पाकिस्तानियों को दिखाया गया, उन्होंने माना ही नहीं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। हमने तो मान लिया। हम वीडियोस देखते रहते हैं आए दिन, हमें न्यू देखने में खबरें मिलती हैं कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, लेकिन अपने पाकिस्तान की हमें कोई, आप सब हमें बोलते हैं कि आप पाकिस्तान की क्यों नहीं कोई न्यूज लाते, तो हम आपको कैसे दिखाएं? हमारे कंट्री में बेरोजगारी के अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा, हमारे कंट्री में सियासत की वो जो होता है ना अफरा तफरी वो बस पड़ी हुई है, और कोई यहाँ पे आपको ना ज्यादातर कुछ और दिखेगा नहीं। तो सच्ची में हम सब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैरान है इस चीज से कि इंडिया ने अंडर वाटर, कल अम्मी भी हैरान थी कि अंडर वाटर मेट्रो बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उन्होंने बनाई हुई है अम्मी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इससे?
मैं क्या बोल, मैं तो खुश हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ आप ट्रैवल करना चाहेंगे इस पे? हाँ कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती है भाई हम सब मिलकर इसमें ना ट्रैवल करें। तो हम खुशी तो मना रहे हैं ना आपकी। सही बात है, हम बहुत ज्यादा ना खुश है आपकी खुशी में, आप सबके साथ जो है ना बहुत ज्यादा हमें हम तो बहुत खुश है। सही बात है, आप सबकी खुशी मिलती है बहुत ज्यादा तरक्की, मतलब आपकी खुशी मिलती है हमें, तो हम ना आपको देख के ये देख जलाना चाहिए, खुश होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमें सीखना चाहिए, हमें उनसे ये नहीं है कि हमें जेलस होना चाहिए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं तो हो जाता है। सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत की जो अफरा तफरी चल पड़ी है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, वो आके एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। डेवलपमेंट की तरफ किस काम का हो नहीं देते कोई, वही ना ध्यान कब देंगे। एक हुकूमत स्टेबल खड़ी होगी तो वो ही सोचेगी ना अपने कंट्री के बारे में, कि जब उनका कोई प्रोजेक्ट होता है कि ये इतने साल में कंप्लीट होना है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, वो कितने साल से इंडिया के पीएम है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो उन सालों में उनका ही जो भी मतलब उन्होंने सोचा हुआ था वो चला। हमारे यहाँ पे हुकूमत कोई 5 साल तक टिकती नहीं है, एक आती है एक आके अपना मंसूबे शुरू कर देती है, दूसरी आती है दूसरे अपने मंसूबे शुरू कर देती है, वो जो पहला शुरू किया था वो वहीं पे अटका रहता है कई सालों तक, तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ये चीजें होती हैं जो आपको कंट्री को बहुत ज्यादा ना पीछे लेके जाती है, ये पीछे लेके जाती हैं जो आप रोक देते हो। हुकूमत बदलती रहती है, अगर अगर आपकी एक स्टेबल हुकूमत होगी ना तो वो चीजें फिर काम आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं देता किसी को कोई काम करने ही नहीं देता। पता नहीं यार यहाँ पे क्या हमारे कंट्री में चल रहा है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन इंडिया की खुशी में को देख बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत। हम तो हमारी दुआ है आगे और बढ़े। यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर आपको मिलता है। थैंक यू।